This is NDTV. And you're watching Classics. सफारी इंडिया इस बार उड़ीसा की इन पनिहारी गलियों में, भीतरकनिका की इन गलियों में देखने दिखाने को इतना कुछ है कि अगर यहाँ से नज़र हटे तो वहाँ जाकर टिक जाती है। कहते हैं नज़रें बदलती हैं तो नज़ारा बदल जाता है। ठीक टीवी चैनल की तरह जहाँ एक बटन दबाने से अलग ही तस्वीर सामने आ जाती है, चैनल यहाँ भी हैं लेकिन पानी के चैनल जो ज़रा अलग सा मोड़ लें तो खुल जा सिमसिम की तरह आप एक नई दुनिया में पहुँच जाएंगे। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के बाद दूसरे नंबर पर आता है भीतरकनिका का यह मैंग्रोव जंगल। वैसे आपको बता दें कि सुंदरवन का नाम पड़ा एक मैंग्रोव प्रजाति सुंदरी से, और भीतरकनिका में उससे कहीं ज़्यादा किस्म के मैंग्रोव हैं। और इस बार हमारे सफारी का स्टार कोई जानवर नहीं बल्कि भीतरकनिका नाम से सांस लेता ये भरा पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। टोटल वर्ल्ड में मैंग्रोव स्पीशीज 73, उससे 62 स्पीशीज फाउंड इन भीतरकनिका। इसके अलावा यहाँ करीबन 1500 साल्ट वाटर क्रोकोडाइल रहते हैं और 3 स्पीशीज का मॉनिटर लिजर्ड भी पाया जाता है यहाँ। यह बहुत कम जगह इंडिया में है जैसे कि जहाँ की आप 3 स्पीशीज एक जगह में देख सकते हैं। और ये चिड़िया के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यहाँ ये बाबागन हिरोनी जो है वहाँ करीबन 10,000-11,000 नेस्ट होता है हर एक साल। ब्राह्मणी, भयतरणी, धामरा और देवी, ये तेज रफ्तार नदियां जैसे मोक्ष पाने को उतारू हैं और दौड़ी जा रही हैं बंगाल की खाड़ी की ओर। उड़ीसा की ये चार विशाल नदियां किसी भी सैलानी के दिमाग में एक ऐसा नज़ारा खींचती हैं जो बस जाता है हमेशा के लिए। कहीं चौड़े रास्ते, कहीं समुद्र के पानी की आवाजाही, हर ओर देखें तो पानी ही पानी, और जरा करीब आओ तो दिखते हैं जीव ही जीव। कहीं कोई मचलती किंगफिशर, कहीं इतनी चिड़िया पेड़ों की डाल पर जैसे लगे फागुन के महीने में फूलों से लदा हो कुल पेड़। लेकिन ये भरा पूरा संसार आखिर चलता किसके इशारे पर है? आइए खोलते हैं इसका रहस्य। वो दूर वहां एक चंद्रमा है, उसके पास है यहाँ का रिमोट कंट्रोल। लहरें उसी के इशारे पर चढ़ती उतरती हैं जिसे हम ज्वारभाटा के नाम से जानते हैं। लहरें ऊपर चढ़ी तो सब जीव भागते हैं जंगल के अंदर और ये इलाका तब्दील हो जाता है एक द्वीप समूह में। और जब लहरें लौटती हैं तो लौट आते हैं सभी जीव, जैसे सर्दी के दिनों में बरामदे में बैठे हों धूप सेकने के लिए। लहरों का ये खेल कुदरत का संतुलन भी बनाए रखता है, लेकिन कैसे आइए देखते हैं, और इसी से आपको मैंग्रोव की खासियत का भी पता चल जाएगा। ये मैंग्रोव दलदल उड़ीसा में चार रिवर सिस्टम्स का एस्टुरी है, और इसका एक मतलब ऐसे समझें कि जो सी वाटर है जो बाहर से जब अंदर की तरफ आ रहा होता है तो पानी की बहुत सारी निंदाती गलियां बन जाती हैं, जिससे एक तो पानी का इम्पैक्ट कम हो जाता है, उसका असर नहीं पड़ता, दूसरा जो पानी में नमकीन तबका है, नमकीन स्तर है, वो अपने आप मॉनिटर हो जाता है। अगर आप देखें, हम वैसे सिर्फ 200 मीटर होंगे हाई टाइड लाइन से, हम वहाँ पे खड़े हुए हैं और पानी खूब है वहाँ पे, लेकिन अंदर आए हैं लगभग 200 मीटर भी नहीं और पूरा दलदल जैसे एक एक घूंट पानी निकल गया हो। भीतरकनिका के इस फैलाव में एक ओर है नेशनल पार्क तो दूसरी ओर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये दोनों इलाके मैंग्रोव के जंगल और उनमें बसने वाले जीव जंतुओं के लिए मशहूर हैं। तीसरा इलाका है गहीर माथा मरीन सेंचुरी जो मशहूर है हर साल तट पर आने वाले अपने इस मेहमान के लिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑलिव रिडली टर्टल अंडे देने के लिए यहीं पहुंचते हैं हर साल। फिलहाल हम हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के डंगमाल इलाके में, एक बेहद शांत और खूबसूरत सुबह। शाम को हम इसी जगह लौटेंगे, तब देखिएगा इसकी दूसरी ही रौनक। लेकिन फिलहाल देखिए, पानी के अलावा यहाँ कुछ भी देखेगा तो वो भी पानी के अंदर ही।
या फिर पेड़ों पर सवार, पानी से कुछ ही दूर उस पेड़ी की बरगद जैसी डाल, जिनके बीच फिसलता एक सांप छोटा डायनासोर जैसा, यह है मॉनिटर छिपकली। थोड़ा और अंदर जाएं तो खुला मैदान, जैसे आप मध्य प्रदेश में हो, और यहां भी हिरण। हिरण से चलिए सीधे हिरनरी में, ये क्या है, बस चलते चलिए। आपको वो खूबसूरत गाना सांझ ढले गगन तले हम कितने एकांकी, वो तो याद हो गई। हम भी आपको भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में एक ऐसे ही शांति भरा, एकांकी भरा एक ऐसा मंजर, एक दृश्य दिखाते हैं। यह है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के भगवान द्वीप पर स्थित एक हिरनरी। हिरन एक किस्म, एक प्रकार की चिड़िया होती है, यहाँ उसका खानदान का खानदान दिख रहा है। और समझ में कि यहाँ के वो स्थायी निवासी हैं और ये पूरा जंगल उनका राशन कार्ड। इस पूरे जंगल में इस तादाद में होना जंगल की अच्छी हालत का अंदेशा भी है, और दूसरी तरफ यहाँ पे चिड़ियों को ना सुरक्षा का डर और खुराक भी पूरी मिल जाती है। जून से नवंबर के महीने में इस पूरे दौरान ये लोग इनकी नेस्टिंग होती है, और अगर नेस्टिंग को अपनी भाषा में कहें तो एक तरीके से परिवार बढ़ाने की जो खुशखबरी का मौसम। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड बताते हैं कि 11,000 से 30,000 तक की तादाद में चिड़ियाँ हमें मिलती हैं। इतनी मात्रा में चिड़ियाँ मिलना और हर साल वापस आना, ये भी एक ऐसा मंजर है जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की कहानी अपने आप बयां कर देता है। इतने घने जंगल में देखिए कौन सा परिवार हमसे भागते दिखा। कहीं थमता हुआ ये पानी तालाब बन गया, तो कहीं जंगल की प्यास बुझाते बुझाते एक एक घूट दलदल निकल गया। ये नमकीन पानी का मगरमच्छ जब पानी से निकले, समझ लीजिए तट पर पानी घट गया है, तभी फैलकर धूप सेकने की जगह बनती है। ये दलदली भूमि ही इनका चुनिंदा हैमक समझिए। इस बारे में अभी लंबी चर्चा करेंगे, पहले देखिए पानी कम हुआ तो खुराक की तलाश में चिड़िया भी उड़ने के बजाय इंसानों की तरह जमीन पर ही चल रही हैं, और अब तो वो घास भी दिखने लगी है हमको भी और इन हिरणों को भी। इसी जगह से हमने आपको सुबह का शांत नज़ारा दिखाया था, अब देखिए ये मत्स्य कीपर्स भी काफ़ी खुश हैं, आखिर जिस मिट्टी पर उनकी गुजर बसर निर्भर है वो उनको मिली गई है। वैसे अपनी मिट्टी का मज़ा तो कुछ और ही होता है। और अब हम आपको वो दिखाते हैं जो दूर से तो शिवलिंग जैसा लगेगा, लेकिन अकेले वो ही भितरकनिका को साइक्लोन शेल्टर बनाता है। ये है मैंग्रोव की वो जड़ें जो रेत की ज़मीन को पुख्ता बनाती हैं, ताकि वो भितरकनिका की मुट्ठी से ना फिसले समंदर के अंदर। लैंड बिल्डर है ये मैंग्रोव, इनसे एक ऐसा पदार्थ निकलता है जो रेत से जुड़कर उसे इतना मजबूत बना देता है कि पूरा तटीय इलाका पानी से लगे होने के बावजूद समंदर में ना खिसकता है और ना ही टूटता है, यानी सॉइल इरोजन नहीं होता। और अब बाढ़ आए तो आए। मैंग्रोव का ये जंगल किसी छलनी की तरह पानी के इतने चैनल बनाता है कि समंदर की ताकत इनसे गुजर कर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और नुकसान ना जमीन को ना ही आबादी को। यही वजह है कि चाहे वो सुनामी रहा हो तमिलनाडु के तटीय इलाके में, या कोई टाइडल वेव जो अक्सर आती रहती है, या फिर उड़ीसा में ही 1999 का जो सुपर साइक्लोन आया था, यही वजह है कि हजारों लाखों लोगों की जान बच पाई। बाकी इलाके जहाँ पे ये मैंग्रोव कट चुके हैं वहाँ पे जान नहीं बच पाई, वहाँ पे सैलिनिटी जो नमकीन पानी है बहुत अंदर तक आ चुका है, जिससे चाहे कृषि हो पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। मैंग्रोव का ये जंगल मछलियों के पनपने के लिए स्वर्ग जैसा है, क्योंकि एक फिल्टर भी है जो पानी में घुले नमक पर काबू पा लेता है, इसलिए इनकी आड़ में ही झींगा श्रिम्प केकड़े समुद्र से लौटते हैं यहाँ प्रजनन के लिए। आसपास के गांव का आर्थिक आसरा भी यही है। गांव का संख्या 4 मेजर पंचायत है, टोटल गांव का संख्या मोर देन 100 विलेजेस होंगे, तो इनका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ये इतना पॉपुलेशन जो यहाँ बढ़ गया है लास्ट 2-3 डिकेड से, ये प्रेशर डाल रही है अभी सेंचुरी के ऊपर, क्योंकि इनका जो रिक्वायरमेंट है, फॉर्डर रिक्वायरमेंट, फ्यूल रिक्वायरमेंट, सब सेंचुरी से निकल रहा है। और इस अमूल्य संपदा का एक हिस्सा है ये खूबसूरत पेड़ पौधे, जो दवाई भी हैं और शहद का भंडार भी। Over the last 25 years, I have been surveying. So it total comes to 55 species, of which snakes are quite important.
So far as frogs are concerned, we have about 15 species of frogs, 15 species of lizards, freshwater turtles, one species. तो यहाँ ये एक इकोसिस्टम है जो एक तरफ जमीन से जुड़ा है तो दूसरी तरफ समुद्र से भी लिपटा हुआ है और दोनों के बीच एक प्राकृतिक किले के रूप में सदियों से खड़ा है। लेकिन ध्यान रहे, पर्यावरण के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ से ही किला दरक सकता है। कुछ मैंग्रोव वैरायटीज है जैसे सॉल्ट रेजिस्टेंट राइस, अभी जो रिसर्च चल रही है तो उसका ऊपर जो धनी धान है यहाँ मिलता है तो वो सॉल्ट टॉलरेंट है, तो वो उसका जीन को लेकर हम अभी वैज्ञानिकों ने नॉर्मल राइस से क्रॉस ब्रीडिंग कराकर अभी सॉल्ट रेजिस्टेंट राइस निकाल रहे हैं, तो ये इसका सोर्स जगह है भीतर करने का। ब्रेक के बाद मिले यहाँ के खास बाशिंदे से जिसकी कहानी घटती बढ़ती लहरों से कम नहीं।